हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। अब देखिएगा, बाजार 2 दिन ऐसे बिता चुका है जहां पर कि बाजार में लगातार 2 दिन जो है कमजोरी के संकेत मिले। बाजार ऊपरी लेवल से तकरीबन तकरीबन जो है 3% के आसपास करेक्ट हो चुके हैं। तो तकरीबन ये 3% की करेक्शन निफ्टी के अंदर कोई ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं या जो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उनको लगता पता नहीं यार कैसी गिरावट हो गई। वो इसलिए लगता है क्योंकि अभी तक ना इस तरीके की गिरावट देखने की आदत छूट गई थी यार। आदत ही नहीं थी यार 2 दिन बाजार जो है 2 दिन में अगर निफ्टी 350-400 पॉइंट गिर जाए और बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट 2 दिन में गिर जाए, ऐसे थोड़ी ना होता है, क्योंकि ऐसी तो आदत ही नहीं थी हमारी। लेकिन माय डियर, ये बाज़ार की फितरत होती है। बाज़ार जब चलता है तो बाज़ार दोनों तरीके के मूव देता है, लेकिन बाज़ार आजकल एल्गोस से चलते हैं। तो क्या होता है, एक डायरेक्शन पकड़ लेता है तो बाज़ार उस डायरेक्शन में थोड़ा सा लंबा चलने लग गया। तो हो सकता है कि आपको आज अगर हम संकेत देखें चार्ट के हिसाब से, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक स्टॉपेज है। अब उस स्टॉपेज पर रुकेगा नहीं रुकेगा वो बाज़ार की मर्जी है, लेकिन स्टॉपेज तो बनता है। अब ये जो स्टॉपेज है, ये अगर हम निफ्टी में देखें तो ये जो स्टॉपेज का दायरा बनता है वो यहीं पर जहां आज लो लगाया उसी के आसपास है। तो ये जो 19,296, अगर ये 19,300 से लेकर 19,150 का अगर पूरा दायरा पकड़ें और थोड़ा सा अगर हम और ऊपर की तरफ रहे हैं, 150 भी ना ले, 19,200 तक, तो 19,200 से लेके 19,300 के बीच का जो दायरा है वो एक सपोर्ट लेवल है। और इस स्पोर्ट में अगर बाज़ार रुकता है तो ओके है, अगर 200 तोड़ देता है तो बाज़ार फिर अपने नए पड़ाव 18,900 की तरफ जा सकता है। बाज़ार में कल का संकेत हमें लग रहा है कि बाज़ार कल एक साइडवेज हो सकता है और थकाने वाला हो सकता है। फ्राइडे का भी डे है तो बाज़ार एक रेंज बाउंड ही हम उम्मीद करते हैं। ऊपर से एक अच्छा सेल ऑफ आपने देख लिया, लेकिन इस सेल ऑफ के बाद जो है बाज़ार थोड़ा सा जो है कल पोज दे सकता है और स्लाइटली एक पुल बैक करने की भी चेष्टा कर सकता है। अदानी इंटरप्राइज, इन्फोसिस, अदानी पोर्ट्स, आईशर और डीवीज लाइव, ये सब तेजी में थे। ICICI बैंक, HDFC बैंक, टाइटन, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, ये सब कमजोरी में, तो फाइनेंशियल्स में थोड़ी सी वीकनेस आपको दिख रही है ज़्यादा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बराबरी पे था, बराबरी का मामला था। और अगर हम बात करें तो आईसर मोटर्स के आज रिजल्ट आए हैं, बाजार शायद पसंद कर सकता है इन रिजल्ट्स को। डीवीज लैब 0.88% की तेजी, बाकी अदानी इंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स के भी जो है आज आपको आउटकम, अदानी इंटरप्राइजेज के रिजल्ट थे तो वहाँ से भी एक ठीक ठाक जो है आउटकम हमें देखने के लिए मिला है। लेकिन शेयर्स ऊपर से करेक्ट हो गया है, लेकिन पिछले साल से तो अभी भी काफ़ी अच्छा रनअप दे चुका है। तो जो बाजार है वो इस बात को समझता था कि भाई अदानी एंटरप्राइज अब रिजल्ट देखिएगा ठीक देगा, ठीक, क्योंकि वो उन तरीकों में नहीं है। अब वो अपनी वैल्यूशंस खुद तलाशने की कोशिश कर रहा है, तो वो हमें लगता है कि वही फाइनेंशियल्स में भी इस बार रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। हिंडाल्को, इन्फोसिस, LTI, माइंडट्री, ये सब तेजी में, तक कमजोरी आज थी। UPL में 3%, टाइटन में कल रिजल्ट आए थे टाइटन के रिजल्ट के हिसाब से अगर मैं आपको बात बताऊं तो भैया 2900 रुपये का भाव भी महंगा लग रहा मुझे। रिजल्ट के हिसाब से बात करो तो मुझे लगता है ये शेयर 2000 से नीचे की चीज़ है, पर भाई इंडिया में क्या है कि 100 से ऊपर की पी रेशो का जो है ट्रेंड हो गया है। और फिर लोग कहेंगे भाई ऐसा बिजनेस दूसरा तो कोई सेटल कर ही नहीं सकता, इतना तो सेटअप हो ही नहीं सकता, इतना समय इन्होंने दिया है। तो भाई देखिए, सबकी अपनी वैल्यूएशंस की थ्योरीज हैं, बट मैंने अपना व्यू दे दिया। ONGC 2.36, बजाज फिनसर 2.34, ICICI 2.12, निफ्टी बैंक 44513 पर, और आज जो एक चकमा दिया बाजार को वो 44279 तक भी बाजार गया और वहाँ से एक पुल बैक आया। और लास्ट के आधे घंटे में नीचे से जो है तकरीबन 2:30 बजे के आसपास की बात है, बाजार ऊपर अचानक से गिरते हैं, सारे पुट राइटर पुट खरीद के बैठते हैं, भाई आज की जीरो हीरो को पुट खरीदो पैसे बनेंगे। लेकिन बाजार लास्ट के आधे घंटे में जो कमाल करता है, आधे पौने घंटे में, तो भाई जितने लोगों को भी दिन में चकमा दे के पुट खरीदवाई गई, क्योंकि जो ऊपर से वीकनेस आई सबको लगा जा रही तो कैंडल बड़ी बढ़िया बन रही हैं, उठाओ इसको, पुट उठाइए। लेकिन बाजार ने वहीं से पुट बायर को ख़त्म कर दिया और ऊपर से एक पुल बैक कर दिया। तो आज एक्सपायरी डेट ट्रेड के अंदर एक चकमा आज फिर देता हुआ बना,
देखिएगा निफ्टी बैंक के अंदर आज अपने जो सपोर्ट लेवल है उसी पर बाजार बंद हुआ है, और देखिएगा इसमें एम पैटर्न आपको विजिबल सा ही लग रहा है। अब एम पैटर्न विजिबल है, अब एम पैटर्न में एम पूरा कंप्लीट होगा या बीच में से घूमेगा ये देखने वाली बात है। बट अभी जो संकेत हैं निफ्टी बैंक में, अभी टेक्निकल सेटअप इसमें भी वीक बना हुआ है, और जहाँ तक हमारे पड़ाव की बात थी तो वो पड़ाव आज आ गए। अभी देखिएगा 44,200-300 एक सपोर्ट जोन है, अगर ये बाजार टूटता है तो उसका फिर एक सपोर्ट, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट एरियाज हैं यहाँ पे, फिर 43,100 के आसपास भी है, 42,800 के आसपास भी है, और 42,800 काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है। 42,800 से 42,900 बाजार एक बार जाएगा भी ना बाउंस करेगा वहाँ से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे जो शॉर्ट्स हैं अगर बचे भी होंगे अभी तक तो वो अपनी शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे कवर करेंगे, अगर पुराने शॉर्ट भी बने होंगे तो। इसके बाद अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो देखिएगा कोई भी भयंकर मंदी निफ्टी बैंक में कब आएगी, मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ, 43,400। जिस दिन भी बाजार, अगर अभी तो देखिएगा दूर है, लेकिन बाजार में मूड माहौल आजकल बनने लग गए मंदी वाले, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मंदी बैंक निफ्टी में केवल और केवल तभी बनेगी जब तक 43,400 को बाजार होल्ड करेगा। यहाँ से तकरीबन 1,000 पॉइंट दूर है, लेकिन वो एक ऐसे लेवल है जिनकी चर्चा करनी ज़रूरी है। तो 43,400 का एक ऐसा लेवल है, जब उसको तोड़ के बाजार नीचे गया तो फिर आपको सेल ऑफ बहुत ही तगड़े वाला दिख सकता है। अभी हाल फिलहाल में उम्मीद नहीं है, और बाजार का जो बायस है वो नेगेटिव हो चुका है, हर राइज अभी जो है सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन गई है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जिन लोगों ने मंदी बनाई है वो वही लोग हैं जो अभी तक बहुत भयंकर तेजी में बैठे हुए थे, तो तेजी वालों ने अपना पलड़ा शायद बदल लिया है, और यही रीज़न है कि जो राइज है वो टिक नहीं पा रहा है बाजार में। फिर भी देखिएगा लड़ाई तो बुल्स एंड बियर्स में रहेगी रहेगी, और यहाँ पर आपको क्लोजली देखना है कि अगर ऊपरी लेवल पर बाजार सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो बाजार फिर वीकनेस दिखा सकता है। तो कल के लिए 44,800 ऊपर की तरफ एक अहम लेवल रहेंगे जहाँ पर एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। नीचे की तरफ बात करें तो 43,100 से लेकर 43,300 के बीच का एक ऐसा दायरा है जहाँ पर एक अच्छी खासी डिमांड जो है बैंक निफ्टी स्टॉक्स में आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो इसी रेंज के बीच में हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, और शायद इस रेंज को बाजार कल रिस्पेक्ट करेगा। अगर बाजार नीचे की तरफ 44,100 तोड़ देता है तो फिर बाजार देखिएगा अगले पड़ाव 43,800 की तरफ जा सकता है। चांसेस कल तो शायद ना हो, कल तो शायद बाजार कंसोलिडेट करे, लेकिन फिर भी जो इंटरनेशनल न्यूज़ फ्लो वो अपना काम कर सकता है। बैंक निफ्टी में आज डिफेंसिव में था बंधन बैंक और रेयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो फ्लैग टू पॉजिटिव थे, बाकी सभी बैंक आज लाल निशान में थे। इन लाल निशानों में भी अगर बात करें तो ICICI बैंक आज सुबह ही पिक्चर में दिख गया था, सुबह प्री ओपनिंग सेशन में 1% से नीचे। मैंने कहा यार ICICI बैंक ही है ना ये, 1% नीचे प्री ओपनिंग सेशन में, लेकिन प्री ओपनिंग सेशन के बाद वो पुल बैक करता है बाजार खुलने के बाद। लेकिन भाई साहब जिन्होंने आज मन बना रखा था बेचने का तो उनको पता था भैया सौदा कहाँ पे बनाना है, तो ICICI बैंक सुबह से ही सेल कैंडिडेट बना रहा। इसके बाद अगर हम बात करें तो SBI के भी रिजल्ट हैं अब, तो SBI के रिजल्ट भी लोग उम्मीद लगा के बैठेंगे प्रॉफिट डबल होंगे, देखते हैं कि किस तरीके का आउटकम आएगा। ये जो डबल है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एंटिसिपेट कर रहे हैं। अब बात करें FIIs की, FIIs देखिएगा आज भी सेलर थे, कैश मार्केट में तो मामूली से सेल थी, असली सेल उन्होंने कहाँ पे की अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन DIIs एक्टिवली आज बायर थे और 1729 करोड़ की बाइंग की, एक अच्छी खासी बाइंग आज FIIs सेल थे। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर 3400 करोड़ के फ्यूचर बेच मारे, 4624 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेच दिए, एग्रेसिवली सेलिंग जो है यहाँ पर हुई। लेकिन वहीं पर जो ऑप्शंस खरीदी गई आज भी ऑप्शंस में प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है माय डियर, FIIs के इंडेक्स ऑप्शंस में आज भी बाइंग है, हो सकता है इसमें से देखिएगा बहुत सारी प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, फिर हो सकता है कुछ कॉल्स भी खरीदी गई होंगी, तो क्योंकि नीचे था बाजार
लेकिन फिर भी कुल मिलाकर डेटा ऐसा नहीं है जो तेजी का संकेत दे। FIIs के डेटा भी नेगेटिविटी को जो है आमंत्रित करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पुट कॉल रेशियोज जो है स्लाइटली जो है बाजार ओवरसोल्ड लग रहा है निफ्टी के 0.6198 और बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्लाइटली लोअर साइड में है तो 0.7624। तो पुट कॉल रेशियोज ऐसी हैं नीचे की तरफ हैं और सेलर जो है वो कॉल राइटर के सेलर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं तो शायद इस परिस्थिति में ये पुट कॉल रेशियो तो शायद और ज़्यादा ना नीचे गिरे लेकिन इसके आसपास जो है अभी शायद और चलती हुई आपको नज़र आए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज तकरीबन फ्लैट फ्लैट है। ब्रांड क्रूड 84.8 डॉलर्स पे है। निफ्टी बैंक और निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें तो निफ्टी में ऑप्शन चेन में देखें तो 19,400 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ 84,000 कॉन्ट्रैक्ट जबकि पुट साइड में ऐड हुआ 59,000। अब 100 पॉइंट आगे की कॉल देखिए 19,500 पे ऐड हुआ 88,000 जबकि नीचे हुआ 24,000। तो ऑप्शन चेन के अगर हम डेटा देखें तो कॉल राइटिंग काफ़ी एग्रेसिवली है और एग्रेसिव कॉल राइटिंग ये संकेत देती है कि भाई बाजार को ऊपर जाने से रोका जाएगा। तो हर राइज एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद करें अगर बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी के डेटा इतने वीक नहीं है जितने निफ्टी के नज़र आ रहे हैं और 44,000 एक ऐसा फोकस एरिया जहां पर बाजार चल रहा है। 95,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट में ऐड हुए कॉल में ऐड हुए और पुट में हुए 67। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 44,600 में तो 46,000, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो पुट में 40,000। तो यहाँ पर लगभग बराबरी का मामला है लेकिन अगर ये हमें ऐसा प्रतीत कराता है यहाँ पर भी ऑप्शन चेंज कि ऊपरी साइड पर अभी भी बाजार ऊपर जाएंगे तो कॉल साइड कॉल जो है वो एग्रेसिवली राइट हो सकती हैं अभी भी। तो बाजार की अंडरटोन अभी भी एक वीकनेस वाली ही बनी हुई है जब तक कि एक अच्छा खासा पुलबैक बाजार नहीं दे देता है। हमें ऐसा लगता है कि बाजार अगर कल ओवरसोल्ड होता है तो वहाँ से शायद पुल बैक आपको करता हुआ नज़र आ सकता है लेकिन वो पुल बैक ओनली टेम्परेरी रहेगा। ऐसा नहीं है कि परमानेंट बेसिस पर हम ये एंटिसिपेट करें कि यहाँ से पुल बैक करेगा फिर जो है जो गिरावट है उसको नेगलेक्ट करके ऊपर चला जाएगा, ऐसा भी नहीं लग रहा है। अभी लगता है कि गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है। तो आज की इस चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।